जब रिवीजन स्टार्ट होगा ना, तो रिवीजन में हम बहुत सारे क्वेश्चन कट कर देंगे। बहुत सारे तो उसमें तो लिखवाएंगे ना। लगभग मान के चलो 60-70% बेहतर कट जाएगा। तो कितना है? वो कटेगा आप ही बोलोगे कि हाँ, क्योंकि तो जब आप 10 ईयर के पेपर देखोगे, अब जब उसमें उस वैरायटी का क्वेश्चन कभी आया ही नहीं, क्यों मेहनत करेंगे? अभी पहली बार इसलिए पढ़ना है कि दिमाग में सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ था? कहाँ तक पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर? ट्वेल्व तक हो गया था ना। 13 से चालू करते हैं, चलो अब फटाफट हो जाएंगे। बहुत लेंथी वाले क्वेश्चन नहीं है ना। नंबर 13 क्या निकालना है सबसे पहले चेक करो। अगेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ITR फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इसने इनटू 100 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब टर्नओवर होता है तो इनटू 100 नहीं होता। अब हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया क्या? क्वेश्चन में चेक करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या? नहीं दिया। अपन को क्या दिया है? इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड, नेट परचेज, वेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न नहीं है। रिटर्न इनवर्ड होता तो सेल्स रिटर्न होता। कैरिज है। अब यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस बताया था। अब ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या लिखा है? इन्वेंट्री एट द बिगनिंग लिखा है, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग यानी ओपनिंग स्टॉक कितना है? 18,000। परचेज कितनी लिखी हुई है? 46,000। परचेज रिटर्न है नहीं, एक्सपेंस दो लिखे हुए। देखो एक्सपेंस में वेजेस लिखा है कितना? 14,000। और एक्सपेंस एक और लिखा है कैरिज इनवर्ड, कितना लिखा है? 4,000। होता तो वहां चला जाता प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? इन्वेंट्री एट द एंड 22,000। अब टोटल मारो कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, सारे प्लस करके जो माइनस करने वाला है माइनस मारो। 18,000 है, 64,000 प्लस 14, तो 18 कर दिया ना इसको, थोड़ा छोटा होता जाए, माइनस 22 होगा ना, 8 और 4 करोगे तो कितना आएगा? माइनस 22 फाइनल वैल्यू 60,000। इसी के बाद कॉस्ट ऑफ पहला आइटम निकल आया, दूसरा क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग कितना दिया हुआ है चेक करो जल्दी से, 18। क्लोजिंग कितना दिया है? 22। इन्वेंट्री या स्टॉक? स्टॉक लिखा था ना, तो इन्वेंट्री को ही क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, ठीक है ना। कितना हो गया? 2, यानी यहाँ आ गया 40,000 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया? 20,000। अब फॉर्मूले में रख दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 60, और इन्वेंट्री 20,000, तो कितना आ गया? 3। यस या नो लगाओगे बेटा? बहुत आसान है, आराम से बनेगा। इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, लेकिन टर्नओवर लग गया ना, टर्नओवर वर्ड आया तो उसका आंसर टाइम से नहीं आएगा, यानी इनटू 100 नहीं।
चलिए अगला वाला बताइए नेक्स्ट 14 नंबर क्या निकालना है इसमें भी 14 में भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला मैं हर बार लिखूंगा ताकि याद हो जाए बोलना है सर शॉर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत शॉर्ट में यार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री अब क्या क्या दिया है देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा देखो ध्यान से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अब देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं लगा भाई वैल्यू क्या दी अब यहाँ पे हमको ना तो नेट सेल्स दिया था ना तो जीपी दिया था ये वाला फॉर्मूला लग ही नहीं सकता अब इसमें इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता ऊपर वाले में नेट सेल्स दिया लेकिन जीपी नहीं दिया ना अब इस वाले क्वेश्चन में ओपनिंग वो नहीं दिया ना आपको परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं दिया अब बताओ कितना आएगा इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 10% ध्यान देना यानी 4 लाख का 10% कितना हो गया 4 लाख माइनस 40,000 कितना हो गया 3,60,000 यस या नो अब दूसरा क्या चाहिए एवरेज इन्वेंटरी दिए क्या क्वेश्चन में चेक करो पहले से दे दिया 55,000 यानी एक आइटम निकला वो मिल गया फॉर्मूले में रख दो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 3,60,000 3,60,000 क्या आएगा टोटल बिटी मचाओ 1 2 3 1 2 3 5 से कट करें 5 बन जा 5 7 5 5 2 जा यानी 72/11 करेक्ट अब 11 की टेबल से काटो 11 6 66 अब कितना बचा 6 बचा 0 डालेगा तो हुआ 60 11 5 जा 55 अगेन 5 बचा अब 0 डालेगा तो 50 हुआ तो 11 4 जा बस इसके बाद ना जाएंगे पॉइंट के बाद दो डिजिट जानी है तीसरे डिजिट नहीं जाना इन दोनों क्वेश्चन में आपके दोनों फॉर्मूला यूज हो गए देखो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया और इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दूसरा फॉर्मूला यूज ये भी लिखवाया था मैंने नेट सेल्स माइनस जीपी नेट सेल्स का दूसरा क्या काम बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ठीक अगली लाइन पढ़ो 15 वाले में क्या निकालना है जल्दी बताओ सर ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला इसी का अपोजिट है ना भाई जीपी का फार्मूला क्या था नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसी से घूम जाएगा ना ये इसका मैंने उसी से बनाया ये कब लगेगा और ये कब लगेगा अब जब वही बात समझना 14 वाले क्वेश्चन में आपको जीपी नहीं दिया तो ये फॉर्मूला हम लगा ही नहीं सकते और इस वाले क्वेश्चन में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया और न परचेस दिया ना खर्चे दिया तो आपको इस तरह से पकड़ना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा याद रहेगा रिवीजन देना कराऊंगा कि सब याद रहेगा टीचर ना कराएंगे आज क्या डेट है बताओ 3 तारीख कितने क्वेश्चन में पहुंच चुके हो 40 हैं 52 हैं मैंने बोला 15 के पहले लास्ट चैप्टर खत्म चलिए 15 में आइए क्या क्या निकालना है इसमें टीम में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ अपॉन एवरेज इन्वेंटरी ये फॉर्मूला क्वेश्चन में चेक करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया क्या नहीं दिया एवरेज इन्वेंटरी दिया है ना एवरेज इन्वेंटरी लिख लो पहले हमको मालूम है कितना है 2,20,000
अब हमको क्या नहीं मालूम कॉस्ट ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस जी ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ कि ना, डन, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान रखना नेट सेल्स कितनी दी है 16 लाख में, और जीपी कितना दिया है लॉस दिया है ना, तो अगर प्रॉफिट माइनस होता है तो लॉस प्लस होता है, उल्टा ही होगा ना, क्यों फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, वेट मिनट, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या वैल्यूज है, समझ में हमको क्या नहीं दिया, ये आइटम नहीं दिए, क्या करें मजबूरी, ठीक है ना, प्लस अब ग्रॉस लॉस कितना बोला है 16 लाख का 5% कितना होगा 16 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है तो ग्रॉस लॉस प्लस हो जाएगा, कितना होगा इसका 5% 80,000, तो कितना होगा 16,80,000, दोनों आइटम मिल गए, फॉर्मूले में रख दो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 16,80,000 माइनस ऑन 2,20,000, तो 4 जीरो ये कट गए, 4 जीरो ये कट, 2 से कट करो 11 हो गया, फिर 2 से कट करो 2 8 जा 2 4 जा, 84 डिवाइड बाय 11 काटो, 11 7 जा 77, कितना बचा 3 और 2 7 7, 7 बचा 0 लगेगा, 11 6 जा 66, अब 4 बचा करेक्ट, 0 लगेगा तो 44 तो आएगा 3, ये हो गया टाइम, डन, क्वेश्चन नंबर 16 में आओ, गप नहीं सर, यू मेरा क्वालिटी बहुत बड़ा है, हां ना बड़ा रहने दो सर, बड़ा हुआ देखते नहीं करता, हम बात दे रहे हैं क्या है, मतलब अभी आप करवा देंगे, तो बाद में फिक्स एसेट्स टर्नओवर, अरे सारे क्वेश्चन खत्म कहां पे, फॉर्मूला है ध्यान देना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स एसेट, ध्यान देना फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो में, टर्नओवर में देखो मैंने आपको क्या बताया था, जीपी एमपी एक्सपेंस में वो ऊपर जाता, अब ये फिक्स एसेट क्या है, एसेट एसेट्स या लायबिलिटी का कोई भी आइटम मिलेंगे ना तो वो नीचे जाएंगे, और वहां पर नेट सेल्स नीचे, वहां नेट सेल्स कहां होता था नीचे, यहां नेट सेल्स कहां चला गया ऊपर, तो अब इसमें क्वेश्चन में देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा हुआ है, छोड़ो पहले में लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हां नेट सेल्स के नाम से लिखा होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से लिखा होगा, लिखा है सबसे लास्ट लिखा है टोटल बाहर लिखा है ना, अब फिक्स एसेट्स कितनी है चेक करो, कहां पे लिखी हो सर, वही करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स सॉरी 16 लाख सर, यहां लिखी है 16 लाख फिक्स एसेट्स में दिए 16 लाख, 16 लाख कितना आ गया, वन टाइम आया ना, जीरो कहां चला गया, टू नंबर में क्या निकालना है बताओ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला देखो, चार्ट उठाओ चार्ट, अच्छा चलो चलो इसी से बनाओ, अभी सिखाया तो मैं, ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक, अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको मालूम है, ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था तुमने, मैंने फॉर्मूला मैंने लिखवाया था याद है, हाँ सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बताया था, अब करंट एसेट्स कितनी है क्वेश्चन में ढूंढो, क्वेश्चन क्वेश्चन में लिखी है करंट एसेट्स, लिखी है ना,
सर करेंट एसेट से सर लिखिए सर 8,05,00,000 8,05,00,000 तेरे अब करंट लायबिलिटी बताओ लायबिलिटी कहाँ है करंट लायबिलिटी में लिखिए तुम लोग 6,00,000 6,00,000 कंफर्म करंट लायबिलिटी हमको जो चाहिए उससे मतलब है लिखा तो बहुत कुछ 16,00,000 डिवाइडेड बाय 13-6 कितना आएगा अब तो नहीं बने 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 बचा 2 0 लग गया फिर 7,2,14 बचा 6 फिर 0 लगा 16,00,000 करंट से सभी भी बताई तुमने बताइए ना सब 6,00,000 माइनस के ठीक है करंट लायबिलिटी कितना आएगा 5,050 16/13 की टेबल से काटो 13 बन जाए 13 बचा 3 हमको भी आता है 13 बन जाए 13 3 बचा ना थ्री बचा तो जीरो लगा सर 2 बार में 26 सर इसके आगे रखा सर आप ना देखिए आ गई है टेबल सर 3 हो गए 13 करते हैं यस सर चलिए अगली लाइन नेक्स्ट क्या निकालना है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो टोटल एसेट्स टर्नओवर फॉर्मूला बनाओ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन अपॉन टोटल एसेट्स ऑन टोटल एसेट्स रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मैं बता देता हूं टोटल आज के काम कर सर आज का आज का अच्छा है आज पर पसंद आ गया कल का पता नहीं क्या हो गया सर टोटल एसेट्स वही सर लेके आ गए टोटल एसेट्स टोटल कितना है सर सर टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स कितनी है 30,00,000 यस सर 30,00,000 जोड़ लो ध्यान टोटल कितनी है 80,00,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह क्या होते हैं माइनस हो जाते क्योंकि वो उसको एसेट लिखा जाता है पर माना नहीं जाता 10,00,000 1,00,000 है ना अब कितना ये 4,00,000 कटे 5,00,000 कटे या 5,00,000 कटे 16/29 हम निकालते हो सर मुझे तेंदुआ आया है तीन देखो जिसको बात जिसको भी मिलेगा उसको एक एक खाए मैंने बताया था एसेट में लिखते तो है और उनको एसेट मानते में ये हिस्सा क्या है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमीशन प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस सिंपल कर दो नॉन करेंट एसेट अदर नॉन करेंट एसेट को माइनस कर अदर नॉन करेंट एसेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या है ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस या अंडर राइटिंग कमीशन इन तीनों को बोला जाता है
कि ये एसेट की तरह लिखा तो जाएगा पर इनको एसेट माना नहीं जाएगा। एग्जांपल याद रखना हमेशा गोलमाल। हाँ सर, गोलमाल मूवी में क्या हुआ था, उसको तीन पिक्चर का अमाउंट साइनिंग अमाउंट दिया लेकिन खर्चा एक ही पिक्चर का हुआ। ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है, हमने बड़ा खर्चा कर दिया जिसका इफेक्ट 5 साल तक रहने वाला, तो उस पूरे खर्चे को हम एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते, कहाँ लिख देते हैं एसेट्स में। हर साल थोड़ा थोड़ा निकालते रहते, तो लिख तो दिया एसेट्स में पर वो एसेट्स है नहीं, इसलिए उसको हम एसेट्स से हटा देते। ऊपर जैसे है स्टॉक कहाँ आ गया, टोटल असेट दो प्रकार की नहीं होती, इसलिए सीधे वो रखते बस स्टॉक दो। क्योंकि स्टॉक किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, ना कि सेलिंग प्राइस। तुम्हारे पास जो भी सामान है उसकी प्राइस कितने मार्केट में होगी उससे मतलब नहीं होता, आपने उसको कितने में खरीदा उससे मतलब, उसको बोलते हैं कॉस्ट। जो स्टॉक निकलता है वो हमेशा कॉस्ट पे निकलता है ना कि सेलिंग प्राइस। चलिए अगला बताइए, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के बताओ कैसे निकालो। ओपनिंग स्टॉक बताओ, अभी मुझे बताओ, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि नेट सेल तो दिया पर जीपी नहीं दिया, तो हमको वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस रख दिया ना। ओपनिंग स्टॉक बताओ, सोच रहे हैं बस देखो। ओपनिंग स्टॉक मैं देखिए मेरे को टेबल से आ गया। ओपनिंग स्टॉक अभी बोल रहे थे तुम लोग, ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, वही क्वेश्चन है, देखो सेम वैल्यू है जो क्वेश्चन में मैंने ढूंढवा रहा था। कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा जल्दी पकड़ लिया आपने। 76250 वाला एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर ए था, टेबल को घुमा के लिख दिया उल्टा। अच्छा उसमें स्टॉक तो वहाँ निकाला था क्या, चेक करो बड़ा। नहीं 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 ऐसे कौन से एक्सपेंस लिखे जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, कोई लिखे सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ट्रेवलिंग नहीं मिला कुछ भी, सेल्स से माइनस होता है। अब आ गया क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट, मतलब ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। 98 अब इन सब का हिसाब किताब करके निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरा क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना था 76250 और क्लोजिंग था 98500 डिवाइड बाय 2। निकालो दोनों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला में पुट अप करेंगे आंसर। चलो निकालो जल्दी, सबको जोड़ो, जब मैं इसको जोड़ता हूँ हम आने वाले हम उन सबको कहे को जोड़े, इनको जोड़ो ना क्यों आई है।
अब देखो क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री एट द बिगनिंग। इस लाइन का क्या मतलब है, ध्यान से पढ़ो पहले। एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, इन्वेंट्री एट द एंड जो है वो ज्यादा है इन्वेंट्री एट द बिगनिंग। कितना इन्वेंट्री एट द एंड ज्यादा है इन्वेंट्री एट द बिगनिंग से, कितना 20,000। और इन्वेंट्री एट द एंड कितना है 60। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग कितना होगा, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बोलूं कि इन्वेंट्री एट द, तो क्वेश्चन में लिखा उसी से समझो, दूसरा एग्जांपल में कंफ्यूजन ना हो जाए। इन्वेंट्री एट द एंड यानी साल के अंत में जो स्टॉक है वो साल के शुरुआत के स्टॉक से 20,000 ज्यादा है, तो शुरुआत में कितना रहा होगा, 40 रहा होगा ना, क्योंकि शुरुआत वाले से 20,000 ज्यादा है, 20,000 कम कर दो। तो इसको कैसे लिख दें, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60,000 माइनस 20,000 चलेगा, तो ये हो गया कितना 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 यानी 1,00,000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 50,000। अब फॉर्मूला मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 150,000 डिवाइड बाय 50,000 कितना आएगा, 3 times कर रहे हो, क्या निकालने हैं चेक करो जल्दी से। जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब क्वेश्चन में दोनों जीपी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना दिया, प्रॉफिट दिया है ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालना पड़ेगा, माइनस ये होता है। अब नेट सेल्स कितनी दिया क्वेश्चन में चेक करो, 5,00,000 नेट सेल्स 5,20,000 और सेल्स रिटर्न दिया 20,000, 5,00,000 हो गए एग्जैक्ट वैल्यू, 5,20,000 माइनस 20,000 ये क्या आ गया नेट सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आ गया क्या करूँ मैं सर, सही मार नहीं है मुझे, मैं तो बोली मेरे को मार मैं कब मार मार तो क्या होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस प्लस मैंने इसको ऊपर इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे पूरा आएगा नहीं तो गड़बड़ होगी। अब आपका यहाँ पे कितना हो गया 5,20,000 5,00,000। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ,
जल्दी से 20,000 देखो ये वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ कितना दिया हुआ एक्सपेंस कोई दिया है नहीं है क्लोजिंग स्टॉक सेम क्वेश्चन है तीन बार आ गया फॉर्मूले तो अलग अलग इसका हिसाब किताब क्या किया था क्या आया था याद करो नहीं क्या आ गया 2,00,000 नेट सेल्स हमको मालूम ही है 5,00,000 क्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल दो 2,00,000 का ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स कितनी आई थी 5,00,000 × 100 50 से कट किया तो 5,2 जा टोटल 40% पॉइंट नंबर 1 सॉल्व पॉइंट नंबर 2 क्या निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी अभी निकाला तुमने एवरेज इन्वेंटरी निकालनी पड़ेगी ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2 ओपनिंग कितना आया था 76,200 क्लोजिंग 98,000 अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है फोटो से चेक करके बता दो ब्रोकर ये दो निकालने थे इसमें नेक्स्ट फोटो किसी ग्रुप में डाल नेट
credit sales upon average vendor plus with ध्यान रखना ठीक है ना. ये हुआ इसी का सेम फॉर्मूला और है. डेटर से हम पैसा कलेक्ट करते हैं, डेटर से पैसा लेते हैं, तो इसमें फॉर्मूला बनेगा एवरेज क्रेडिटर जो हमसे पैसे लेंगे, डेटर जो हमको पैसे हाँ डेटर मतलब देने वाले, क्रेडिटर मतलब लेने वाले, ये वर्ड मैंने बोला. डेटर मतलब पैसा देने वाले, क्रेडिटर मतलब पैसा लेने वाला. डेटर्स हमको पैसा दे रहे हैं, हम पैसा क्या कर रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें फॉर्मूला रहेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड. ध्यान देना फॉर्मूला कैसे बन रहा है, इस फॉर्मूला को जस्ट उल्टा कर दो, यानी एवरेज एवरेज डेटर प्लस बिल रिसीवेबल अपॉन ऊपर क्या लिखा था नेट क्रेडिट सेल्स इनटू ध्यान देना 365 जब क्वेश्चन में बोला कुछ भी नहीं, उसने केवल बोला कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो आप इनटू 365 करेंगे. लेकिन अगर उसने बोल दिया इन द मंथ तो कितने महीने होते, उसने बोला इन द वीक एक साल में कितने वीक होते, 52 ठीक है ना. अगर कुछ नहीं बोल रहा तो क्या करना है 365. अब इसी का उल्टा ध्यान देना, डेबिटर से क्या बनता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो. फॉर्मूला इसी से बनाओ, मैं आप बच्चों में क्या सिखा रहा हूं, एक फॉर्मूले से चारों फॉर्मूले याद होना. अगर आपने इसको याद कर लिया नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर एंड बिल्स से, इसका उल्टा किया तो ये बन गया, हाँ कि ना. फॉर्मूले को जस्ट रिवर्स कर दिया इनटू 365. अब ध्यान देना इसी से ये वाला फॉर्मूला बनेगा क्रेडिटर में. आप एक चीज बताओ यहाँ पे क्या लिखा था नेट क्रेडिट, यहाँ क्या हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स का उल्टा, जैसे डेटर का उल्टा क्या होता है सेल्स का उल्टा परचेस. अब यहाँ क्या लिखा था एवरेज डेटर का उल्टा और बिल रिसीवेबल का उल्टा, हाँ कि ना. बन गया बात समझ में आई. अब क्रेडिटर को हम पैसा पे कर तो बनेगा एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका उल्टा करो रिवर्स अगेन एवरेज क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू. बात समझ में आई, यानी इफ यू रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला तो उससे रिवर्स करके ये बना लोगे, इसका रिवर्स ये बनेगा और इसका रिवर्स. एक फॉर्मूले से चारों फॉर्मूले आसानी से याद हो सकते, चार अलग अलग फॉर्मूले याद करने की ठीक. इसका यूज क्या है पहले ये समझो. डेटर टर्नओवर रेशियो ये बताता है आपको कम से कम एक किस्त में कितना डेटर पैसा देगा तो आपकी पूरी उधारी वसूल हो जाए. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमने 10 लाख का सामान उधार बेचा साल भर, तो कम से कम कितना पैसा एक बार में आए तो तुम्हारी पूरी उधारी साल भर की रिकवर हो जाए. और ये क्या बताता है एक बार में तो आ रही है और उसकी बीच दूसरी जो किस्त आएगी उसके बीच में कितना ड्यूरेशन होना चाहिए. जैसे मान लो 12 लाख रुपए साल में उधार है, तो एक बार में अगर 1 लाख रुपए आ रहे हैं उधारी वसूल हो रही है तो 12 महीने में वसूल हो जाएगी. हर एक एक महीने में 1 लाख रुपए अगर आपको उधार वापस आने लगे, ये इसलिए निकाला जाता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, जहां करोड़ों में अगर उधार हो गया तो उसकी रिकवरी के लिए एक अलग बंदा बैठा होता है जो सिर्फ यही काम करता है
ये मेरे को किसको कब कहाँ नोटिस भेजना है ताकि पैसा मेरा रिकवर हो। या तो बैंक जब लोन बांट देता है, उधार तो बांट दिया बैंक ने, अब लोन देने वाले वापस करने वाले उन्हें कुछ ऐसे मिलेंगे जो पैसा वापस टाइम पे नहीं कर, तो उनके जो रिकवरी एजेंट होता है ना वो अपना टारगेट कैसे सेट करता है कि मुझे इस महीने कितनी वसूली करनी है, उसको ये पता होता है कि साल भर में मुझे कितनी वसूली करनी है। और उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर कब आता है मालूम है, क्या देखना पड़ता है, कितना मैंने किसको उधार दे रखा है, कितना किसानों को दे रखा है, कितना व्यापारियों को दे रखा है, कितना किसी इंडिविजुअल को दे रखा है, वो क्यों देखना पड़ता है। किसानों का अगर है तो मैं कब रिकवरी करने जाऊंगा तो पैसा मिलेगा, जब फसल बिक जाए। अगर अभी उसकी फसल खेत पे लगी हुई है तो उससे पैसा लेने भी जाऊंगा तो वो मना कर देगा, लेकिन अगर फसल बिक गई है उस समय मैं जाऊंगा तो रिकवरी हो सकती। बिजनेसमैन के पास अगर लोन है मैं उससे मांगने जाऊंगा तो मैं सीजन में अगर जाऊंगा तो मुझे पैसा मिल जाए, जैसे दिवाली का सीजन है, दशहरे का सीजन है, होली का सीजन है, उस सीजन में मैं अगर जाऊंगा, या मैरिज का सीजन है, तो मेरी रिकवरी फास्ट होगी कंपेयर टू नॉर्मल डे। किसी इंडिविजुअल का उधार है तो मैं उसके पास कब पहुंचू, जब उसकी तनख्वाह उसकी सैलरी का डेट क्या है ये मुझे पता करना पड़ेगा, वो भी बैंक मुझे बता देगा कि इसके किस दिन इसके अकाउंट में पैसा आता है, जिस दिन उसके अकाउंट में पहुंचा आया पैसा आया अगले दिन पहुंच गया भैया। भाई कई बार लोग जो है ना डायरेक्ट डेबिट बंद कर देते माइनस ऐसा भी होता है, डायरेक्ट डेबिट अगर एक्टिवेट है तो डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन अगर वो डीएक्टिवेट है तो आप कटवाने जब जमा करोगे तभी जमा होगा, ठीक है ना। जैसे मैं अपना एग्जांपल मैंने तुमको एक बार दिया था, मेरे बैंक अकाउंट में क्या था, 14 तारीख को मेरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की डेट है, ऑटो डेबिट एक्टिवेट, बैंक ने क्या किया सुबह सुबह 7 बजे कटिंग मारी, भैया पैसा उड़ा दो, अब मेरे खाते में पैसे नहीं, ठीक है ना, खाते में पेमेंट नहीं है। मुझे मालूम है कि शाम को 5 बजे मेरे को जो पैसे पे करने हैं उतने पैसे में उससे ज्यादा पैसे मेरे अकाउंट में आने हैं, अब बैंक ने सुबह 7 बजे क्या किया पैसे डिडक्ट करने की कोशिश की, बाउंस हो गया, बैंक ने 5,000 की पेनाल्टी मारी, जबकि पेमेंट की डेट क्या है 14, तो 14 तारीख खत्म कब होती है 12 बजे, तो आप मेरे पास फाइन नहीं कर सकते, पर क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड था कंप्यूटर वाला सिस्टम, उसने सुबह 7 बजे कट किया, पैसा नहीं है, बाउंस लगाया, पेमेंट मार फाइन मार दिया और आगे बढ़ गए अगले आदमी के पास। अब मेरे शाम को 5 बजे पैसे आए, मैंने पेमेंट कर दी और 5,000 का फाइन लग चुका है, फिर मैंने कस्टमर केयर फोन किया, तब उनको मैंने मातृभाषा में समझाया, तब उसको समझ में आया, तो 3 दिन बाद वो फाइन क्योंकि भाई पेमेंट तो सेम डे पे हो गई ना 14 तारीख, तो आपका फॉल्ट है कि तब से मैंने ऑटो डेबिट बंद कर दिए, भाई वो सुबह सुबह 7 बजे मारा बंद कर पैसे दे तो निपटा दे, फिर से कब तक मातृभाषा का उपयोग करते रहे। Thank you.
चिल्लाएंगे।